हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया अरुणदेकर। आपका प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे बास्केट चाट और कटोरी चाट। यहां आप देख रहे हैं कि मैदे के आटे से बास्केट बनाकर उसको डीप फ्राई करके तैयार करके लिया। उसी तरह छोटी कटोरीज बनाकर उसके अंदर चाट भर के बास्केट चाट और कटोरी चाट तैयार कर दिया। आइए शुरू करते हैं बास्केट बनाने के लिए। 2 कप मैदा लिया है मेजर करके। अब वो मैदा छन्नी में डालकर अच्छी तरह से छान देते हैं। मैदे में मिलाते 1 टीस्पून अजवाइन, फिर उसके बाद 1 टीस्पून नमक अपने स्वादानुसार, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, नहीं तो घी भी मिला सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको चेक करना है कि ऐसे हाथ में लेके बाइंड हो रहा है। तब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा बना देना है, गून लेना है। आटा जब गून के तैयार हो जाएगा तब ज़्यादा कड़क या नरम नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में देख रहे इस तरह आटा तैयार कर देना है। उसके बाद एक गीले कपड़े से आटे को इस तरह कवर करके 20-25 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट के बाद आटे को हल्के हाथ से ऐसे नीडिंग करना है और जितना ज़रूरत है उतना आटा लेके बाकी आटे को गीले कपड़े से कवर करके रख देना है। आटे को इस तरह गोल गोल राउंड घुमाकर रोलिंग बोर्ड पे रख देना है और रोलिंग पिन से उसको इस तरह बेल देना है। ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे रोटी बेल कर उसको नाइफ की सहायता से चारों तरफ से इस तरह कट करके लेना है। उसके बाद 1/2 इंच के सब स्ट्रिप नाइफ की सहायता से इस तरह कट करके लेने हैं। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं जो तड़का देने के लिए इस तरह कटोरी होती है और उसको हैंडल होता है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। एक स्ट्रिप उठाकर इस तरह बैक साइड पे रख देना है, फिर दूसरी स्ट्रिप को रखना है और जहाँ उसका जॉइंट है उसको पानी से थोड़ा पानी लगाकर फिक्स कर देना है। अब ये तीसरी स्ट्रिप ली है उसको भी उसी तरह पानी लगाकर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अब ये 4th स्ट्रिप है उसको इस तरह बीच में पानी से फिक्स कर देना है। अब एक स्ट्रिप लेना है उसको पानी से स्टिक करके हॉरिजॉन्टली एक अल्टरनेट स्ट्रिप के बीच में इस तरह पानी से फिक्स करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब ये स्ट्रिप फिर से दूसरे स्ट्रिप के नीचे है उसको पानी से फिक्स करके ये अभी ऊपर आई है उसको भी वहाँ थोड़ा पानी लगाकर फिक्स कर दिया है। इस तरह एक पूरा राउंड कर देना है और जो एक्सेस आटे का भाग है उसको, मतलब वो स्ट्रिप है, वो सीजर से कट कर देना है और पानी से जॉइंट को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। इस तरह एक बेस तैयार हो जाता है। अब ये दूसरी स्ट्रिप ली है, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ऊपर रखा है उसको पानी लगा दिया। अब ये उसके नीचे की तरफ करके उसके नीचे भी इस तरह पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप फ्राई करेंगे तो ये स्ट्रिप है वो निकल जाएगी ऑयल में। आप वीडियो में देख रहे हैं कि
हॉरिजेंटल स्ट्रिप है उसको अल्टरनेट वर्टिकल स्ट्रिप के साथ इस तरह पानी से फिक्स कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रिप ख़त्म हुई है तो उसको दूसरे स्ट्रिप से पानी से ज्वाइन कर देना है और उसको कंटिन्यू करना है। जहाँ स्टार्ट किया था वहाँ तक लेके आना है, फिर सीजर से कट करके फिर उसको ज्वाइन करके अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। इस तरह पूरे बास्केट को तैयार कर देना है और वर्टिकल एक्सेस स्ट्रिप्स है उनको सीजर से इस तरह कट कर देना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बास्केट पूरी तरह से तैयार है। बास्केट असेंबल करते वक्त तेल गर्म करने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं बास्केट को बहुत ध्यान से गर्म तेल में इस तरह रख देना है और जैसे ही बास्केट फ्राई होने लगता है, डीप फ्राई, तब आप देख सकते हैं वो कटोरी जो है, जो हमने जिस पे असेंबल किया था, वो छोड़ देता है। फिर इस तरह उसके अंदर जितना तेल है उसको निकाल कर, यहाँ आप देख सकते हैं बास्केट को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है और यहाँ फ्लेम मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना, नहीं तो बास्केट बाहर से फ्राई हो जाएगी और अंदर कच्ची रहेगी। अब ये अच्छी तरह से फ्राई डीप फ्राई हुई है, उसको एक टिश्यू पे या पेपर नैपकिन पे निकाल लेते हैं। अब बनाएंगे कटोरीज। उसके लिए पूरी बनाने के लिए जितना आटा लेते हैं उसको लेकर रोलिंग बोर्ड पे इस तरह एक मीडियम साइज़ की पूरी बना देनी है और यहाँ आप देख सकते हैं जो टार्ट के मोल्ड है उसमें इस तरह अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद एक कांटा या फोक लेना है, उसको अंदर इस तरह प्रिक करना है। उससे क्या हो जाएगा, जब हम लोग ये कटोरी फ्राई करेंगे तो फूलेगी नहीं, उसमें बबल्स नहीं आएंगे। अब मैं यह दूसरी कटोरी बना रही हूँ सेम प्रोसेस से। मेरे पास 6 टार्ट मोल्ड्स हैं तो इस तरह सेम प्रोसेस से पूरी को अंदर फिक्स करके जो एक्सेस आटा है उसको निकाल देना है और फिर कांटे से उसको प्रिक करना है। इस तरह 6 टार्ट मोल्ड्स तैयार कर दिए। अब ऑयल भी गर्म हो चुका है, सब टार्ट मोल्ड्स को एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम रखना है और एक एक मोल्ड को इस तरह ऑयल में केयरफुली छोड़कर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद जो मोल्ड है वो सेपरेट हो जाता है। टार्ट मोल्ड को टोंग से या चिमटे से इस तरह ऑयल से निकाल कर बाहर रख देना है और जो कटोरीज है उनको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक मीडियम आंच पे इस तरह फ्राई कर देना है। कटोरीज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, उनको निकाल लेते हैं और बाकी सब कटोरीज को इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टार्ट मोल्ड्स नहीं है तो घर में जो हम लोग छोटी कटोरीज इस्तेमाल करते हैं उससे किस तरह कटोरी बनाना है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने सेम एक पूरी बनाई
और कटोरी में फिक्स करके एक्सेस आटा है उसको निकाल देना है। उसके बाद कांटे या फोक से इस तरह प्रिक कर देना है। तेल गरम है, उसमें ध्यान से कटोरी को छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं वीडियो में, जब कटोरी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब उसको इस तरह जाली पे निकाल देना है और उसको सेपरेट करके बाहर निकालना है। अब ये कटोरी गोल्डन ब्राउन हुई है, उसको निकाल लेते हैं। अगर आपके पास स्टार्ट मोड नहीं है तो इस तरह घर में जो स्टील की छोटी कटोरीज होती है उससे भी बना सकते हैं कटोरीज। सबसे पहले बास्केट में उबले हुए आलू को इस तरह स्मैश करके भर देते हैं और उसके बाद उसमें भरते हैं उबले हुए चने। कुछ अनार के दाने, मूंगफली या पीनट्स, उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं फरसान। उसके ऊपर डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। उसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। उसके ऊपर डाल देते खट्टी मिट्टी इमली और खजूर की चटनी इस तरह। उसके बाद डाल लेते हैं तीखी पुदीने की चटनी। अब डाल लेते हैं दही या कर्ड को। उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। और चाट मसाला पाउडर। अब ये बास्केट चाट तैयार है। फ्रेंड्स, यह छोटी कटोरीज है, उनको भी उसी तरह भरना है जिस तरह मैंने बास्केट को भरा था। या अपने पसंद के अनुसार आप कुछ भी स्टफिंग डाल सकते हैं। सिर्फ आपको खट्टी मीठी चटनी और स्पाइसी चटनी पुदीने की चटनी बनाकर रखना है और चाट मसाला पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते उसके ऊपर डालेंगे तो चाट खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। बास्केट और कटोरीज आपको जब भी टाइम मिलेगा उसी हिसाब से आप बनाकर रख सकते हैं। जब बास्केट और कटोरीज फ्राई हो जाएंगी तब वो गर्म होती है, जैसे ही ठंडे होने के बाद उनको एक एयर टाइट कंटेनर में रख देना है और कम से कम 4-5 दिन अच्छी तरह से वो रह सकती है क्रिस्पी। फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा। सबसे पहले मैंने बास्केट बनाया। बास्केट असेंबल करते वक्त आपको सभी स्ट्रिप को अच्छी तरह से जॉइन करना है। जब आप बास्केट डीप फ्राई करोगे तब स्ट्रिप अच्छी तरह से जॉइन नहीं होगी तो ऑयल में छूट जाएगी। उसके बाद टार्ट मोल्ड का इस्तेमाल करके कटोरीज बनाएं। अगर टार्ट मोल्ड्स नहीं है तो आपके घर में छोटी स्टील की कटोरीज होती है उनको किस तरह कटोरीज बनानी है ये आपने वीडियो में देखा। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कटोरी चाट तैयार है। आप चाहे तो बास्केट चाट नहीं तो कटोरी चाट बनाइए और साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।